Let us turn in our Bibles to the Gospel according to St. John chapter 6. आइए अपने बाइबल को खोले यूहन्ना रचित सुसमाचार छठा अध्याय वर्स 2 और दूसरा पद. Hallelujah, praise the Lord. यूहन्ना 6 अध्याय दूसरा पद. आप लोग कहाँ बैठते हैं आज सुबह? परमेश्वर के भवन में बैठे हैं. सो ये किसका भवन है? परमेश्वर. अब परमेश्वर हमारे लिए कौन है और क्या है? उतार करता इसके बढ़कर है. पिता किसने कहा? ये परमेश्वर, परमेश्वर का भवन है. और ये परमेश्वर हमारे लिए जो यीशु मसीह को ग्रहण करके परमेश्वर के संतान बन गए हैं, हमारे लिए हमारा पिता है. ये हमारा स्वर्गीय पिता के भवन है. करें ये समझकर इस भवन को आप भक्ति और भाई से भाई को देखना है और आदर करना है परमेश्वर का भवन को भी, क्योंकि हम परमेश्वर को आदर करते हैं. जो परमेश्वर को आदर करते हैं वो परमेश्वर का घर को भी आदर करते हैं. और जो परमेश्वर का घर को आदर करते हैं घर वालों को भी हम आदर करते हैं. सच है ना? तो जो परमेश्वर के संतान है, लोग है, हम एक दूसरे से हमेशा आदर करना है और रेस्पेक्ट करना है. हालेलुया. ये परमेश्वर के भवन आने के लिए क्या के लिए आना है? उसकी आराधना करने के लिए और सेलिब्रेट करने के लिए. पर क्या सेलिब्रेट करते हैं हम? अपना प्यार और दया और कृपा और इसका जो कुछ मर्सी, जो कुछ परमेश्वर हमारे लिए करते हैं. हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड. आप जिंदा हैं? आमीन. जिंदा है यीशु, जिंदा है हमारे लिए यीशु, जिंदा है. आमीन. सो आइए हम वचन को सुनेंगे. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज गॉड. ओके. यूहन्ना उसका छठा अध्याय ध्यान से सुनिए. और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वो बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे. क्या पढ़ा है हम इस पद में? भीड़ आया. क्यों इतना भीड़ आया? उनके आश्चर्य कर्म और काम देखकर ये भीड़ इसके पीछे आने लगा. सो हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? आश्चर्य काम करने वाला है. ये आश्चर्य काम. सो आई वॉन्ट टू स्पीक टू अबाउट व्हाट आर मिरेकल्स. सो आज की सुबह मैं बताना चाहता हूँ कि चमत्कार क्या है, आश्चर्य कर्म क्या है. इन दिस चर्च वी कॉन्स्टेंटली हियर अबाउट मिरेकल्स एंड वंडरफुल टेस्टिमनीज, हाउ पीपल हैव एक्सपीरियंस्ड मिरेकल्स फ्रॉम गॉड. और इस कलीसिया में हम अक्सर इस बात के विषय में सुनते हैं और हम अनुभव भी करते हैं कि लोगों ने अनुभव किया अपने जीवन में आश्चर्य कर्म. वॉट एवर गॉड डज इज वेरी नॉर्मल एंड ऑर्डिनरी फॉर गॉड हिमसेल्फ. जो कुछ परमेश्वर करते हैं
वो स्वयं परमेश्वर के लिए साधारण है. बट लेकिन इवन ए वेरी स्मॉल वर्क ऑफ गॉड सीम टू बी अ ह्यूज मिरेकल इन आवर आईज. लेकिन परमेश्वर का एक छोटा कार्य भी हमारे दृष्टि में वो बहुत बड़ा एक आश्चर्यकर्म है. द अदर डे somebody asked me this question. और बीते दिनों में किसी ने मुझसे इस सवाल को किया. We believe and we pray and but nothing happen. Why is it? हम विश्वास करते हैं, हम प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन हम कुछ देखते नहीं है, कुछ होता नहीं है, ऐसा क्यों है? God can do all miracles, all kinds of works. क्योंकि परमेश्वर हर प्रकार के चमत्कार कर सकते हैं और आश्चर्यकर्म कर सकते हैं. But why is he not doing anything to me? लेकिन परमेश्वर मेरे लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? Here is the answer. उत्तर यहाँ पर है. Simply because you are praying, he will not do any miracle. और सिर्फ क्योंकि आप प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आश्चर्यकर्म करेगा. He steps in and does a miracle only when we exhaust every avenue by which we try to solve the problem. Parmeshwar tabhi aakar apne karya ko karta hai jab manush jo hai apne sare koshishe apne sare jo bhi avsar hai aur jo kuch bhi wo kar sakta hai wo sab karke jab haar maan leta hai. So miracles are works of supernatural origin and supernatural power. So chamatkar jo hai wo bahut alaukik hai aur swargiya hai. For example, we may be suffering from a terrible disease. और उदाहरण के लिए हो सकता है हम बहुत बहुत गंभीर एक रोग से पीड़ित हैं. We ask everybody to pray. हम सब लोग से बोलते हैं प्रार्थना करने के लिए. And we are praying, praying, praying. और लगातार हम प्रार्थना करते जाते हैं. At the same time, और उसी समय we are also trying other means. हम दूसरे कोशिशें भी करते हैं. And we go to the hospital. हम अस्पताल जाते हैं. And we see the doctors. हम डॉक्टर को देखते हैं, we मिलते हैं. We do all these sort of things. और हर प्रकार का इलाज करवाते हैं. I am not saying you should not do all these. You should do all these. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये सब काम ना करें. Whatever possible way you try to solve your problem, you try. जो कुछ भी संभव है आप कोशिश करिए उस काम को करने के लिए. Seeing a doctor is not a sin. और डॉक्टर से मिलना कोई पाप नहीं है. Taking medicines is not a sin. दवाई लेना कोई पाप नहीं है. And you should do all that. और आप ये सब कर सकते हैं. But then, लेकिन there are certain sicknesses, it grows so serious, even doctors have no answer. और कुछ ऐसे बीमारियां हैं जो बहुत जल्दी गंभीर हो जाते हैं और उसका उत्तर डॉक्टर के पास भी नहीं होता. सो व्हाट विल द डॉक्टर टेल यू? सो फिर डॉक्टर आपसे क्या कहेगा? लुक, वी हैव डन एवरीथिंग वी कुड. देखो, जो कुछ भी हम कर सकते थे हमने किया है. नाउ वी कैन नॉट डू एनीथिंग. लेकिन अब हम आगे कुछ इलाज नहीं so कर सकते. सो द बेस्ट थिंग इज फॉर यू टू टेक द पेशेंट्स होम एंड लेट एवरीबॉडी कम्स एंड सी हर एंड एक्सेट्रा. सो बेहतर यही होगा कि आप मरीज को घर ले जाए और जिसको खबर करना है आप खबर कर दे ताकि वो आके मिल सकते हैं. Am I right? सही बात. That is true. ये सत्य है. God's work begins when man's abilities and efforts fail. परमेश्वर का कार्य तभी शुरू होता है जब मनुष्य के सारे कोशिशें और संभावने खत्म हो जाते हैं. That is when God steps in. और वही वो समय होता है जब परमेश्वर आते हैं. I give you an example. मैं आपको एक उदाहरण देता हूं. Who promised a son to Abraham? और किसने वायदा किया कि वो अब्राहम को एक पुत्र देगा? यहोवा. यहोवा परमेश्वर ने. एंड अब्राहम की उम्र क्या था उस वक्त ये प्रॉमिस मिला? नो, देन 75 years old. जब अब्राहम 75 वर्ष के थे तब परमेश्वर ने वायदा किया. एंड सारा वाज हाउ मेनी इयर्स ओल्ड? और सारा कितने उम्र की थी? 65 years old. 65 वर्ष. ही प्रॉमिस्ड, परमेश्वर ने वायदा किया. बट देन हाउ मेनी इयर्स अब्राहम हैड टू वेट फॉर दैट प्रॉमिस्ड सन? लेकिन उसके बाद वो प्रतिज्ञा पूरा होने के लिए अब्राहम को कितने वर्ष इंतजार करना पड़ा? 25 years. 25 वर्ष. व्हाई डिड ही डू दैट? और इस समय में उन्होंने क्या किया? अरे ये ना, गॉड हैज प्रॉमिस्ड
एंड गॉड कुड हैव जस्ट गिवन इट. परमेश्वर ने वायदा किया तो उसी समय परमेश्वर दे सकते थे. बट ही डिडन्ट. लेकिन परमेश्वर ने उस समय नहीं दिया. ओके, व्हेन डिड मेरी एंड मार्था सेंड अ मैसेज टू जीसस, जीसस द वन हुम यू लव इज सिक. मरियम और मार्था ने किस समय वो खबर भेजा था यीशु को कि तुम्हारा भाई बीमार है? द डे ही बिकेम सिक. और जिस दिन वो बीमार पड़ गया. एंड सडनली ही बिकेम वेरी सीरियस. और एकदम से वो बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गया. सो दैट डे ही सेंड मैसेज टू जीसस. सो उस समय इन बहनों ने खबर भेजा यीशु मसीह को. एंड इट वुड हैव टेकन ओनली 2 days फॉर जीसस टू अराइव देयर इवन बाय वॉकिंग. और पैदल चलते वक्त 2 दिन लगते यीशु मसीह को वहां पर पहुंचने के लिए. बट ही डिडन्ट. लेकिन यीशु मसीह, ही हर्ड द न्यूज. यीशु ने खबर सुन लिया. एंड ही जस्ट सिंपली सेड टू हिज डिसिपल्स, दिस सिकनेस विल नॉट एंड इन डेथ. और सिर्फ अपने चेलों को इस बात को कहा कि ये बीमारी जो है इसका अंत मृत्यु नहीं होगा. देन लाजरस डाइड. लेकिन इसके बीच में लाजर मर गए. जीसस डिन कम. यीशु मसीह आए नहीं. लाजर वाज बरीड. लाजर को दफनाया गया. जीसस डिन कम. यीशु नहीं आए. आफ्टर 4 days. और 4 दिनों के बाद ही केम. यीशु मसीह आ रहे हैं. व्हाई? क्यों? यू मस्ट थिंक अबाउट इट. इसके विषय में सोचे. गॉड वेट्स अंटिल द लास्ट पॉसिबिलिटी ऑल्सो इज गॉन. परमेश्वर तब तक इंतजार करते हैं जब तक वो सारे संभावनाएं खत्म हो जाते हैं. That is when faith comes into action. और वो समय होता है जब विश्वास जो है अपने कार्य को करता है. And then suddenly God appeared. और तब अचानक परमेश्वर आते हैं. When man said it's no longer possible, जब मनुष्य कहता है कि अब कोई संभावना नहीं है, Jesus comes in, यीशु मसीह आते हैं. He said, "What is impossible with man, और कहते is possible with God." कि जो बात मनुष्य के साथ असंभव है, वो परमेश्वर के साथ संभव है. Do you believe it? क्या विश्वास करते हैं? Do you believe it? क्या विश्वास करते हैं? Do you believe it? क्या आप विश्वास करते हैं? How many of you believe it? आप में से कितने लोग विश्वास Lift करते हैं? Lift up your hands and praise the Lord. अपने हाथ को उठाकर परमेश्वर की स्तुति करें. Hallelujah! Hallelujah! With my God, all things are possible. मेरे परमेश्वर के साथ हर एक बात संभव है. आमेन. आमेन. एंड वी मस्ट गिव थैंक्स टू गॉड एंड देन ओनली 100% ऑफ ग्लोरी एंड ऑनर गोज टू गॉड. और तभी ऐसे होता है कि 100% स्तुति प्रशंसा परमेश्वर को मिलता है. अदरवाइज व्हाट विल हैपन? अन्यथा क्या होता है? गॉड हील्स. हाँ, परमेश्वर ने चंगाई दिया. बट देन वी ऑल्सो डिड दिस. लेकिन हमने भी ये किया वो किया. So the glory and honor are divided. So जो महिमा मिलता है वो बढ़ जाता है. God said, परमेश्वर कहते हैं, I will not share my glory with anybody. मैं अपने महिमा को किसी के संग नहीं बांटूंगा. Hallelujah. Hallelujah. And so that's why don't give up hope. So इसलिए आप आशा को ना खोएं. Now that doesn't mean nobody will die. और इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई मरेगा नहीं. Everybody will die. Death सब लोग मर जाएंगे. Death is an appointment. मृत्यु जो है वो नियुक्त किया गया है. Because life after death is there waiting for us. क्योंकि मृत्यु के बाद वो अनंत जीवन हमारा इंतजार कर रहा है. We have several couples here in this church. इस कलीसिया में बहुत से दंपति हैं. Who got their child after many years. और जिनको बहुत वर्षों के बाद उनका संतान हुआ. When all the hopes are gone. जब सारे आशाएं खत्म हो गए थे. Suddenly God comes. तब परमेश्वर आते हैं. God of Abraham is still alive. अब्राहम का परमेश्वर आज भी जीवित है. God of Jacob is still alive. याकूब का परमेश्वर आज भी जीवित है. God of Isaac is still alive. इसहाक का परमेश्वर आज भी जीवित है. He has not changed. वो बदला नहीं है. And so no matter what the doctor said to you. So चाहे डॉक्टर आपको कुछ भी बोले. I know that even though treatments are available. और मैं जानता हूँ चाहे इसका इलाज भी उपलब्ध हो. There are some people decide not to take any treatment. कुछ लोग निर्णय करते हैं कि हम कोई इलाज नहीं करेंगे. That is my faith. ये मेरा विश्वास है. And God honors such people's faith. और परमेश्वर ऐसे विश्वास का परमेश्वर आदर करते हैं. Hallelujah.
And so don't be afraid. So isliye aap dare nahi. And don't give up. Aur haar na mane. And don't resign yourself to your condition. Aur apne jo paristhiti hai, jo sthiti hai, usi mein aap usko sehmati na dikhaye. Oh, I have to live with this. Arey, hame iske saath hi rehna hai ab zindagi bhar. No. Don't give up. Aap haar na mane. Hang on to God. Parmeshwar ko thame rahein. The second thing I want you to notice. और दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ. The first thing is miracles are the supernatural origin and also supernatural power. और सबसे पहली बात हमने देखा कि आश्चर्य कर्म जो है वो अलौकिक है और स्वर्गीय है. Something man cannot do. ऐसा काम जो मनुष्य नहीं कर सकता. The second thing I want you to notice about miracles. और दूसरी बात जो हम ध्यान देना चाहते हैं वो ये है. Miracles work. Function as a sign or mark of authority from God. और आश्चर्य कर्म का जो उद्देश्य है, जो काम है, वो इस बात को दिखाता है या दर्शाता है कि परमेश्वर पूर्ण अधिकार में है. Origin of the authority over your situation. और अधिकार का जो स्रोत है आपके बीमारी के ऊपर. Origin of that power. Is from God. और वो सामर्थ जो परमेश्वर की ओर से है. He has authority over all sicknesses, over all diseases, over all problems and mountain storms and everything. और परमेश्वर के पास पूरा अधिकार है सारे बीमारियों के ऊपर, सारे रोगों के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर और समुद्र के ऊपर, तूफानों के ऊपर. The same Gospel chapter 2. और यहूना उसका दूसरा अध्याय. Verse 11. उसका ग्यारहवां पद. Oh, we'll be reading some scripture passages, so keep your Bibles open. अपने बाइबल को खोले, हम कुछ पदों को पढ़ेंगे. This verse says, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है. This beginning of miracles did Jesus in Cana of Galilee and manifested forth his glory and his disciples believed on him. यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया. विच मिरेकल्स डिड जीसस डू हियर इन दिस चैप्टर. यहाँ पर इस अध्याय में यीशु ने कौन सा चमत्कार किया था? He's talking the first miracles he did. वो पहला चमत्कार जो यीशु ने किया. What is it? वो क्या है? इसका मतलब यह नहीं कि आपका सब वेडिंग में प्रार्थना करिए और सडनली वाइन आएगा, ड्रिंक्स आएगा. ऐसा नहीं करते हैं. अगर ऐसा है कोई प्रॉब्लम फीस्ट के लिए कोई पैसा खर्चा करने का जरूरत नहीं है. परमेश्वर ऐसा नहीं करते. दिस फर्स्ट मिरेकल, ये पहला चमत्कार. सी दिस वाइन is of a high quality wine which takes more than 1 year to prepare. और इस प्रकार का दाखरस जो है ये बहुत जो बहुत अच्छा जो बनता है और इसको तैयार करने के लिए एक वर्ष से ऊपर लगता है. That is the kind of wine they use in feast those और इस days. प्रकार के दाखरस को वो लोग ऐसे उत्सव मनाने Now, में इस्तेमाल करते हैं. For that wine to exhaust and finish is a very shameful thing. और इस प्रकार का जो दाखरस है वो खत्म हो जाना वो एक शर्मनाक एक बात. Grapes are available. अंगूर वहां पर उपलब्ध है. पीपल आर अवेलेबल. लोग भी उपलब्ध हैं. एंड एवरीथिंग इज देयर. और सब कुछ उपलब्ध है. बट इट टेक्स नियरली 1 year टू प्रिपेयर सच अ हाई क्वालिटी वाइन. लेकिन इतना अच्छा दाखरस बनाने के लिए कम से कम एक वर्ष लगता है. सो देयर द पीपल आर वेटिंग देयर मोर 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 वाइन. वहां पर लोग इंतजार कर रहे हैं कि दाखरस कब आएगा. वेयर डज इट कम. लेकिन नहीं आ रहा है. नो पॉसिबिलिटी. खत्म हो गया है. एंड दैट इज व्हेन द मदर ऑफ जीसस फेल्ट सॉरी फॉर दिस फैमिली वाज हर वेरी क्लोज फ्रेंड. और यहाँ पर मरियम को बहुत दया आया इस परिवार के ऊपर जो बहुत निकट मित्र थे. That is where Jesus performed this miracle. और यही पर यीशु मसीह ने इस चमत्कार को किया. That is the only miracle in the Bible. Jesus never used any method. और यही एक चमत्कार है मात्र जहां यीशु ने किसी भी जरिए को इस्तेमाल नहीं किया. In every miracle, हर एक चमत्कार में he used some means.
यीशु ने कुछ ना कुछ जरिया को इस्तेमाल किया। Either he spoke a word, या तो यीशु ने कुछ वचन को बोला, be healed, कि चंगे हो जाओ, or he touched, या फिर किसी को छुआ, or he commanded, या फिर आज्ञा दिया, something, isn't it? This is the only miracle he never spoke, he never touched, he never did anything. लेकिन यही एक चमत्कार है जहां यीशु ने ना कुछ बोले, ना किसी को छुआ, ना कुछ किया। Have you noticed that? क्या आपने ध्यान दिया? He simply said, "Fill the pots and then draw from it. Take it to the master of ceremony." और सिर्फ यीशु ने ये आज्ञा दिया जो सेवक थे उनको बोला कि इन घड़ों में पानी को भरो और फिर निकाल कर स्वामी के पास ले जाओ चखाने के लिए। When do you think the miracle happened? तो आप क्या सोचते हैं वो चमत्कार कब हुआ? You have no idea. आपको नहीं पता। And the servants draw water from the pot and took it to. और जो सेवक थे उन्होंने उन घड़ों से पानी को निकाल कर master of ceremony tasted it. मालिक के पास ले गए और उन्होंने चखा. It was the best wine he ever tasted in his life. और अपने पूरे जीवन में इस प्रकार का दाखरस उन्होंने कभी नहीं पिया था. Nobody keeps the best wine till the end. और ऐसा नहीं होता है कि कोई भी जो सबसे अच्छा दाखरस है वो अंत तक रखे। So he called the family people. So उन्होंने परिवार के लोगों को बुलाया। And scolded them. और उनको डांटा। What is this? ये क्या है? Everybody served the best wine beginning, and you have kept this best wine inside, and after everybody has drunk with the second rated wine, you are bringing it out. और सब लोग जो है सबसे अच्छा जो दाखरस होता है वो सबसे पहले पिलाते हैं और फिर बाकी बाद में, लेकिन आपने पहले जो जो इतना अच्छा नहीं था वो पिलाया और अच्छे को आपने अंतिम के लिए रखा। You are treating all your guests second rated or what? क्या आप अपने सारे मेहमान को कम क्वालिटी वाला पिला रहे हैं? And he was surprised, he didn't know what to answer. और मालिक जो है वो चकित हो गए, उनको मालूम नहीं था मैं क्या बताऊं। So where did the miracle happen? So ये चमत्कार कहां हुआ? Jesus is the creator. यीशु मसीह सृष्टि करता है। His creations recognize him always. और यीशु के जो सृष्टि है वो हमेशा सृष्टिकर्ता को पहचानते हैं। The wind and the storms recognize Jesus. जो हवा है, जो तूफान है, वो यीशु मसीह को पहचानते हैं। He had authority over them. यीशु के पास अधिकार है। The devil recognized them. शैतान भी पहचानता है। The demons recognize. दुष्ट आत्माएं पहचानते हैं। That is why he could just command and demons will flee. और इसी कारण से यीशु मसीह सिर्फ आज्ञा देते थे और दुष्ट आत्माएं निकल जाते थे। Who created water? पानी को किसने बनाया? He created. यीशु ने बनाया। Standing before the water was the creator. और उस पानी के सामने खड़ा था वो सृष्टिकर्ता। And the water recognized the command, silent command going forth from him. और वो घड़े में जो पानी था, उन्होंने पहचान लिया कि मेरा सृष्टिकर्ता मेरे सामने खड़ा है और वो मुझे कुछ आज्ञा दे रहे हैं। And the water knew what he wanted. और पानी जानता था कि उसका सृष्टिकर्ता क्या चाहते हैं। Amen. Amen. And the water was turned. और वो पानी उसी समय दाखरस में बदल गया। The creator. वो सृष्टिकर्ता। He is the creator. वो सृष्टिकर्ता। As the creator, he has authority over all his creation. और सृष्टिकर्ता होने के नाते उसका पूरा अधिकार है सारे सृष्टि के ऊपर। The central and greatest miracle is the resurrection of Jesus Christ. और सबसे बड़ा जो आश्चर्यकर्म है वो यीशु मसीह का पुनरुत्थान है। In 1 Corinthians chapter 15. पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय में। You read the whole chapter. पूरे अध्याय को आप पढ़ सकते हैं। Talks about the resurrection of Jesus. यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में है। Hallelujah. Hallelujah. And that means Jesus Christ has authority over nature. और इसका अर्थ यही है कि यीशु मसीह का पूरा अधिकार है इस प्रकृति के ऊपर। He has authority over the devil. और शैतान के ऊपर पूरा अधिकार है। He has authority over demons. दुष्ट आत्माओं के ऊपर पूरा अधिकार है। He has authority over the powers of darkness. और अंधकार के ताकतों के ऊपर पूरा अधिकार है। He has authority over everything he had created. और जो कुछ भी उन्होंने रचा है उन सब के ऊपर यीशु का पूरा अधिकार है। That is why Jesus said. इसी
इसी कारण से यीशु ने कहा, आई गिव यू अथॉरिटी, मैं तुझे अधिकार देता हूँ. हिज डिसाइपल्स, अपने चेलों से कहा, आर यू अ डिसाइपल ऑफ जीसस, क्या आप यीशु मसीह के चेले हैं? फॉलोइंग हिम, उसके पीछे चल रहे हैं? ओबेइंग हिम, उसके आज्ञाओं को मान रहे हैं? लर्निंग फ्रॉम हिम, उससे सीख रहे हैं? वर्शिपिंग हिम, उसकी आराधना कर रहे हैं? सर्विंग हिम, और उसकी सेवा कर रहे हैं? यू आर सच अ डिसाइपल, अगर आप ऐसे एक चेले हैं, ही सेज, वो कहता है, आई गिव यू अथॉरिटी, मैं तुझे अधिकार देता हूँ. And he also said, nothing can harm you. और उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी बात तुमको हानि नहीं पहुंचा Hallelujah. सकता है. Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Hallelujah. So, miracles are for the glory of God. So आश्चर्य कर्म जो है वो परमेश्वर के महिमा के लिए है. And the third thing I want you to notice. और तीसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ. Miracles honor Jesus Christ. और आश्चर्य कर्म से यीशु को आदर मिलता है. And his message. और उसके संदेश को. Proving his identity as the son of God. इस बात को साबित करते हुए कि वो परमेश्वर का पुत्र है. As the son of God. परमेश्वर के पुत्र होने के नाते. He came to be the son of man to be our savior. वो इस संसार में आया मनुष्य का पुत्र बनकर ताकि हमारा उद्धारकर्ता वो बन जाए. Hallelujah. Hallelujah. John chapter 2 verse 23. यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय और 23 वचन. Now when he was in Jerusalem at the Passover in the feast day, many believed in his name when they saw the miracles which he did. जब वो यरूशलेम में फसा के समय पर में था तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वो दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया. He revealed his glory to his disciples. यीशु ने अपने महिमा को अपने चेलों पर प्रकट किया. And they believed in him. और उन्होंने उस पर विश्वास किया. And now the multitude of people. और अब जो बड़ी भीड़ है. They saw his miracle. उन्होंने चमत्कारों को देखा. Miracle mean Jesus had the authority. और आश्चर्य कर्म का अर्थ यही है कि यीशु का पूरा अधिकार है. Amen. Amen. So they had no hesitation in believing in him. So, उन्होंने बिल्कुल उनको कोई भी हिचकिचाहट ना हुआ उस पर विश्वास करने के लिए. And number four, और चौथी बात, God's word teaches us, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, that miracles are to continue through his followers. कि जो चमत्कार है वो लगातार जारी होना चाहिए अपने चेलों से. His followers in the church, और जो चेले कलीसिया में पाए जाते हैं, through the church, और कलीसिया के द्वारा, miracles are to be done outside in the name and authority of the Lord Jesus. आश्चर्य कर्म बाहर संसार में होना चाहिए यीशु के नाम से और यीशु के अधिकार से. आमेन. आमेन. Because in Matthew chapter 10 verses 7 and 8, क्योंकि मत्ती उसके सातवें अध्याय, मत्ती 10 अध्याय के 7 और 8 वचन में, and Mark chapter 3 verses 14 and 15, और मरकुस 3 का 14 और 15, they both speak the same thing. और ये दोनों जगह एक ही बात लिखा है. Jesus sent out his disciples. यीशु ने अपने चेलों को भेजा. Giving them authority. और उनको अधिकार दिया. To heal the sick. कि बीमारों को चंगाई दे. Cast out demons. दुष्ट आत्माओं को निकाले. And raise the dead, मुर्दों को जिलाए, cleanse the lepers, और जो कोढ़ी है उनको शुद्ध करे, to do all these miracles, ये सब चमत्कार करने के लिए, as a church, और कलीसिया होने के नाते, I speak to you, people of God. मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ. If you are a part of the church, अगर आप कलीसिया के हिस्से हैं, then you have to participate in this miracle-working ministry. तो फिर आपको इस सेवकाई में हिस्सा लेना है, जहाँ पर आश्चर्य कर्म होते हैं. How can the church grow? कलीसिया कैसे बढ़ेगा? When people in the church, the members of the church, जब कलीसिया के जो सदस्य हैं, understand this truth, इस सत्य को समझते हैं, that Jesus expects his followers to continue to perform miracles
in the name of Jesus. कि यीशु मसीह इस बात की आशा रखते हैं कि उनके चेले जो है वो लगातार चमत्कार करते रहे इस संसार में.